हाय फ्रेंड्स, इसे सोनम शर्मा। फ्रेंड्स, आपके मैंने कई बार बताया है कपूर जलाइए, उसके ये लाभ हैं, उसके ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो कपूर के एक्चुअल में बहुत सारे लाभ हैं। कपूर हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करता है, कपूर हमारे रिलेशंस को हील करता है। अगर वाइफ हस्बैंड में नहीं बन रही है तो अपने सोने वाले रूम में या फिर पिल्लों के नीचे कपूर को रखकर सुबह उठ के जला दें, तो उससे भी लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी हर तरीके की चीज़ें रिमूव होती हैं। तो कपूर बहुत सारी चीज़ों को हील करता है, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है। लेकिन कपूर अब सही है या नहीं, वो शुद्ध है या नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, कपूर बहुत तरीकों में आता है। जैसे एक तो ये डिब्बी में आता है, इसमें छोटी छोटी गोलियां रहती हैं, गोलियां भी ख़त्म हो गई हैं। एक इस तरह से पैकेट में आपको मिलता होगा कपूर, है ना, सरस्वती माँ की फोटो बनी होती है, कपूर पैकेट रहता है। तो इनको क्या होता है, आपने कई बार फ्रेंड्स नोट किया होगा, इन कपूर को जलाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़, ये थोड़ा हार्ड होता है, और जब टूट जाए, अगर हम इसको तोड़ते हैं, पीस करते हैं, तो बहुत सख्त रहता है, है ना। तो फ्रेंड्स, इन कपूरों में क्या रहता है, कुछ वैक्स, जो मोम होती है, वैक्स होती है ना, कैंडल की वैक्स रहती है, हमारी कैंडल्स की जो वैक्स रहती है, वो इसमें मिक्स की जाती है, जो ये शुद्ध कपूर नहीं माना जाता। और हम इसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पास बैठते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो धुआं है उससे हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और कई बार तो सुनने में आया कि इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी लगती हैं इन कपूर से। तो फ्रेंड्स, सही कपूर कौन सा है ये मैं आपको बता दी हूँ। जैसे कि मेरे पास है एक देसी कपूर, इसको बोला जाता है, ये रॉ में आता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इसके पीसीस रहते हैं छोटे बड़े, इसके कोई टुकड़े नहीं है, कोई गोलियां नहीं है। दूसरा बताना चाहूँगी इसकी पहचान, एक तो ये रॉ में आ गया, आप इसको तोड़ेंगे ना बहुत ईजिली टूट जाता है। और जब तोड़ के इसको आप ये देखिए, लाइक सिंपल यूं करेंगे और ये चूरा बन जाएगा। और अगर मैं आपको इसको जला कर दिखाऊं, देखिए कितनी, सिर्फ चूरा, ये देखिए जस्ट मैंने चूरा डाला है व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, और उसको मतलब टच ही हुआ है और ये कपूर जल गया। इतना प्योर होता है ये देसी कपूर। और इसकी खुशबू सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसकी खुशबू जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप इन कपूर, ये जो रहते हैं पैकेट वाले कपूर या गोली वाला कपूर, इसकी खुशबू नहीं, इतनी नहीं है। और लेकिन अगर आप ये कपूर को हाथ में रखेंगे, वाह, इसकी वो खुशबू है, शायद मैंने बहुत साल पहले बचपन में मैंने ये खुशबू देखी थी कपूर भी। और कहते हैं कपूर अगर गला खराब हुआ हो तो देसी घी में भी मलकर इसको गले पे लगाओ, मसाज करो, तो बहुत आराम मिलता है। मैं अपने बच्चे बेटे के भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कपूर का ये बताना था जो मैंने खुद देखा, सुना, पढ़ा और फिर मैंने खुद ट्राई किया। एक्चुअली इन दोनों कपूर को जलाने में इनकी जो महक है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार ये कपूर यूज़ करके देखिएगा, डेमो जस्ट मैंने आपको दी है, और एक ये जो देसी कपूर है जो मैंने आपको रॉ में बताया है, तो इसको आप यूज़ करके देखिएगा। हाँ हाँ, मेरा तो मन कर इसको खुशबू लेती रहूँ। तो जस्ट ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आज आप सबके साथ शेयर किया। कपूर अगर आपको जलाना ही है, कपूर अगर क्या जलाना ही है आपको, तो सही यूज़ कीजिए। ऐसा ना हो एक गलत प्लास्टिक का या मोम का कपूर यूज़ करते करते आपको कुछ और ही प्रॉब्लम जुड़ जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को, मेरी का लाइव सोनम शर्मा।